गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल नम ब्लॉगर। आज हम जाने वाले हैं वेस्ट ऑफ बंडर। काफी टाइम से जाने का प्रोग्राम बन रहा था बट जा नहीं पा रहे थे, तो आज फिर फाइनली हम निकल ही गए हैं। देखते हैं वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या वहाँ पर है। थोड़ा नाम सुना है वहाँ पे कि सारा कुछ बेस्ट चीजों से बनाया गया है, तो हम भी देखते हैं। दोस्तों चलते चलते एक यू टर्न में भूल गया हूँ और फ्लाईओवर में चढ़ गया हूँ। और एक्चुअली मैं एक मैसेज देना चाह रहा था आपको, अगर आपको लगता है आप कहीं आपको यू टर्न लेना है तो आपको ये करना चाहिए, लेफ्ट साइड में ही आप रखें गाड़ी, और ताकि उसकी वजह से आपको अंडर पास से जाने का रास्ता मिल जाएगा, यू टर्न आपको मिल जाएगा। अगर आप फ्लाईओवर जंप कर जाते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ फ्लाईओवर काफी लंबे होते हैं, तो फिर आपको वहां से यू टर्न लेके आना होगा, जैसे मेरे साथ हुआ। अभी मैं काफी गलत चला गया था, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मुझे आगे से लेफ्ट में रखनी थी गाड़ी और मैं ऊपर चला गया। तो अब एक मेरा छोटा सा मैसेज है कि कभी भी अगर आपको रास्ता नहीं पता है और आपको लगता है कि आपने टर्न लेना है, तो हमेशा लेफ्ट में रखें, फ्लाईओवर पे ना चढ़ें, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो चलते हैं अब दोबारा आगे, फिर मिलते हैं। ईशु जी और ईशु के साथ हम जाएंगे। इधर देख ले भाई। हाँ भाई, इसे ऊपर से खोल, इसे ऐसे दबा। कैसे है? ऐसे ही कर रहा हूँ, बंद है। ऊपर से दबाना, अंदर से बंद है, अंदर से खोल भैया, ये खोल ना, ये खोल, हाँ खोल, खींच। ईशु लल्ला आ गए हैं हमारे। आओ ईशु। और लल्ला पेपर पर हो गए तुम्हारे हैं? मुझे ध्यान आया, मैं यार ईशु को फोन करते हैं, बहुत दिन से मिले नहीं, दरवाजा बंद कर दे। हेलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया बढ़िया। नहीं, कोई बढ़िया नहीं है, सब बेकार है। मारो। ईशु के भाई के साथ निकल लिए घूमने के लिए। तो ये हमें टिकट लेते हुए फाइनली हमने वेस्ट ऑफ बंडर में एंट्री कर ली है और अब हम जा रहे हैं अंदर, फिर आगे दिखाते हैं आगे का सीन क्या क्या है। प्रामिड है ना? हाँ ईशु, प्रामिड है ना ये? फर्स्ट बंडर ही है। ये लोहे से बना हुआ, लोहे से सारे बने, तो लोहे से ही हैं। वेस्ट लोहे से, जो क्योंकि जंग खा रहा होगा ना, तो उसको पेंट वेंट करके लगा दिया है यहाँ पे। ये समोसा आ गया और चाय आने वाली है, इन लोगों का समोसा चाय शुरू हो गया आते के साथ ही। सब ना यही लेते हैं। अबे सब सबसे सस्ता यही है, समोसा और चाय। कभी तो ये जल्दी बंद होते हैं, देखे नहीं ये चीजें चलती नहीं, काफी टाइम में बंद हो जाते हैं। तो वो भी तो अगर मिल गया चिप्स खाने का, मैं ईशु इस बंदर को वैसे हम खिलाते नहीं, चिप्स ले लेने चाहिए। अब देखने वाले हैं, गोगल लगा लो, उसके बाद एंट्री का ब्लॉग बनाना ना। नहीं है, अब ब्लॉग बाद में बनाना, फिर हम देखने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये है टेबल, जिस तरह से टायर की टेबल बनाई हुई है, जेसीबी का टायर, जेसीबी का टायर, एक टायर तो टायर है, जेसीबी का टायर इतना बड़ा, पता है मारुति है, तो ये देखो टेबल बनाई हुई है, पता है पता लगा यार।
मुझे लगा यहाँ कुछ नए वंडर बना के रखे होंगे इन्होंने यार। क्या कुतुब मीनार नहीं है? अब हम पहुंच गए हैं। कहाँ पर पहुंच गए मायरा? मायरा ये क्या है बताओ ना, जल्दी बताओ। एफिल टावर। ये आ गए हैं हम एफिल टावर। मायरा को बड़े मजे आ रहे हैं यहाँ पे घूमने में। हाँ यार मतलब वेस्टेज यूज हुई है काफी अच्छी। ये देखो ये तो सारा जंग खाए हुए वो है ना, जितने भी ये वेस्टेज है आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी कोलोसियम है और हमारे घर में पूरा देखो नहीं, हमने एक एक बार में सारे सातों वंडर घूम लिए यार। सबसे सुंदर तो ताजमहल ही लग रहा है, अंदर भी जा सके। नहीं बहुत सुंदर बना हुआ है। अंदर जाने को बंद हो गया। हाँ बेटा ये आपने ताजमहल नहीं देखा ना अभी तक आगरा का? आप यहाँ देख लो, आगरा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा ये ताजमहल है। हाँ ताजमहल कहाँ पर है? आगरा। आगरा कहाँ पर है? आगरा आगरा तो पता नहीं कहाँ पे, मथुरा के पास आगरा है। आगरा है इंडिया के अंदर ही। ठीक है वो तेरा हाथ था ना मेरे पास। देख 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 देख। और एक ये रहा बंडर हमारा रेडमी रियो। रिडीमर रियो। रिडीमर रियो। रिडीमर रियो। रिडीमर रियो है ना। यहाँ पे मायरा खेलते हो और अमित और ईशु ये अपने बातों में लगे हुए हैं। और इसको देखो ये बिल्कुल ही मस्त हो रही है। पता नहीं कितना भाग रही, थक जाएगी बेटा, थक जाएगा। थोड़ी अच्छी रसी जापानी लगती है मुझे। कब देखा? एक फोन मैंने गेम डाउनलोड किया था उसमें था। क्या था ये है क्या? कौन है?
I can be sad with you. Just take my hand and fly.